केसरी ये सबसे बड़ा सेंट है हमारे पास। अच्छा, आपको इतना बड़ा सेंट पूरा हरिद्वार में पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा जो हमारी शॉप पे मिलेगा। और पद्म शंख है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ये बस्ता भी अच्छा है और घर में मंदिरों में अच्छा होता है। पूर्णा सेंट है, अच्छा ये भी अच्छा है। ये 1000 रुपये का है हमारी। अच्छा, ये 1000 रुपये पूरा मार्केट में सबसे कम रेट मिलेगा आपको। अच्छा, आएगा चंद्रमुखी सेंट, ये चंद्रमुखी शंख हमारी दुकान पे 300 रुपये की कीमत है सर। कितने रुपए की? 300 रुपए की। ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका है और 100 रुपए का मात्र शंख है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केवल 250 रुपए का शंख है और सुंदर कितना शंख है। ये पंचमुखी शंख नाम से जाना जाता है। पंचमुखी ऑनलाइन मंगाओगे तो 10% आपको 10% मिलेगा सर। 10% डिस्काउंट। तो दोस्तों, अगर आप लेते हैं यहाँ से शंख, जो भी इनके कम से कम रेट इन्होंने बताया, उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, हरिद्वार टूर विद राहुल सबरवाल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार की सबसे बड़ी शंख की दुकान पे, जो कि हर की पौड़ी के काफ़ी नज़दीक है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। आप अगर यहाँ पे शंख लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 70 वैरायटी के शंख उपलब्ध हैं और ये होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं। आपको हरिद्वार में इनसे अच्छा दाम का शंख नहीं मिलने वाला। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या इनके पास शंख हैं और कैसे कैसे हैं, तो जानते हैं क्या क्या प्राइस रहेंगे शंख के और ये होम डिलीवरी करते हैं या क्या इनका आगे का नियम है। तो हम सारी बातें बात करते हैं विनोद जी से, जो कि दुकान के ऑनर हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं विनोद जी से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये दुकान कहाँ पर है, ये शोरूम कहाँ पर है, कि आप आराम से यहाँ पे पहुँच सके। तो अभी हम हर की पौड़ी पर हैं, हर की पौड़ी से हमें पोस्ट ऑफिस की तरफ चलना है और ये रास्ता मात्र यहाँ से 300 से 400 की मीटर की दूरी पे है। भैया की शॉप है जो विनोद जी की, तो ये शंख की चौक की तरफ हम चल रहे हैं और हमें मात्र यहाँ से 10 मिनट लगेंगे शंख की शॉप पे पहुँचने के लिए। आप रिक्शा ले लीजिए, मनसा देवी हो, देखिए मनसा देवी का रास्ता आ गया। मनसा देवी से थोड़ी सी आगे हमें और चलना है या हम रिक्शा से पहुँच सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, बहुत ही नज़दीक है शॉप और हम यहाँ पर पहुँच गए। तो दोस्तों, इस शॉप की लोकेशन है राजकीय प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल सामने, भगवती सी सेल गिफ्ट सेंटर, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे शॉप है, बहुत आराम से पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के शंख हैं, मैं आपको एक एक वैरायटी यहाँ पे दिखाऊंगा शॉप के अंदर, शॉप के ऑनर से बात करके। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे विनोद जी से, जो कि शॉप के ऑनर हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी ही हरिद्वार की और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हरिद्वार की जानकारी भरी वीडियो आपके लिए चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर शंख की शॉप पे और बात करते हैं विनोद जी से कि कितनी वैरायटी है इनके पास और क्या क्या दाम ये आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं यहाँ के ऑनर विनोद जी। तो विनोद जी से बात करते हैं कि ये इनकी शंख की दुकान है और बहुत पुरानी दुकान है। विनोद जी, ये कब की, कितनी पुरानी दुकान है आपकी शंख की? 25 से 30 साल हो गया। अच्छा, ये दुकान विनोद जी की, ये 25 से 30 साल पुरानी दुकान और शंख की दुकान है। और आप यहाँ पे दूर से दूर तक देखो शंख की शंख भरे हुए हैं। और शंख के अलावा क्या क्या काम है आपके? संट जो है 100 रुपये से स्टार्टिंग है। ये 100 रुपये का सर, देखिए इनके पास 100 रुपये से शंख स्टार्ट है। ये 250 रुपये का है पंचमुखी शंख, ये 250 रुपये का पंचमुखी शंख है। और ये चंद्रमुखी शंख है, ये 350 रुपये का। इतना बड़ा शंख 350 रुपये का आप दे देते हैं यहाँ पे? हाँ सर, वो होलसेल और रिटेल प्राइस है। हम जो है कस्टमर को जो है रिजनेबल रेट लगा के एकदम जो है कम कीमत में संट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हरिद्वार में जो इतनी बड़ी दुकान है, सबसे बड़ी दुकान इन्हीं भैया की है विनोद जी की, और ये बहुत रिजनेबल रेट पे देते हैं। कौन सा शंख है भैया? ये पद्म शंख है। ये पद्म शंख है, ये
ये शंख नेचुरल है। ये 1400 रुपए का सर। ये 1400 का, इसमें ऐसा क्या खासियत होता है? ये बिल्कुल नेचुरल होता है सर, और ये जब निकलता है तो ये समुद्र से ऐसा निकलता है। अच्छा, समुद्र से ऐसा निकलता है ये? ऐसा निकलता है, देखिए, ये समुद्र से ऐसा निकलता है और ये बिल्कुल नेचुरल शंख होता है। इसका नाम क्या था? ये पद्म शंख है। ये पद्म शंख है और ये दक्षावर्ती ये होता है सर। ये दक्षावर्ती शंख है। ये गहने को जल अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लक्ष्मी शंख बोलते हैं इसको। लक्ष्मी शंख बोलते हैं। और इसका प्राइस क्या है? ये 1100 रुपए का है, बड़ा साइज है एकदम। अच्छा, ये 1100 रुपए का शंख है। स्टार्टिंग 450 से ये 1100 रुपए तक का है। अच्छा, इसमें 1100 मतलब 450 स्टार्टिंग है। ये बड़ा वाला शंख है, 1100 रुपए का है, बड़ा शंख है। और सर ये हो गया, ये अन्नपूर्णा शंख हो गया, ये अन्नपूर्णा शंख है, ये 550 रुपए की कीमत है। इसमें भी बहुत बढ़िया आवाज है, इनकी आवाज देखिए दोस्तों, इसकी कितनी बढ़िया आवाज है। और इसका नाम क्या बताया आपने? 550 का है। और ये बड़ा साइज आएगा, ये 1000 रुपए का है, देखो। अच्छा, ये क्या नाम है इसका शंख का? अन्नपूर्णा शंख है सर। तो देखिए, ये अन्नपूर्णा शंख है। और इसका आपने क्या प्राइस बताया भैया? ये 550 का है सर। ये मेरे पास छोटा वाला 550 का मिलेगा। अच्छा, ये देखिए, ये छोटा 550 का है, बड़ा वाला 1100, ये देखिए 1000 रुपए का। हम इस वीडियो में रेट इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि जो लोग आते हैं और हरिद्वार में महंगे शंख लेके चले जाते हैं, लोग पागल ना बनाए, तो ये भैया बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे शंख देते हैं। इनके पास इतने शंख है। और वैरायटी कितनी होगी भैया आपके पास शंख की? सर ये पंचमुखी शंख हो गया, ये चंद्रमुखी शंख हो गया, ये अन्नपूर्णा शंख हो गया, ये दक्षावर्ती शंख हो गया सर। देखिए ये दक्षावर्ती शंख है, ये पद्म शंख है। अच्छा, दक्षावर्ती है। और सर ये देखो, ये राजा कोड़ी हो गया। ये क्या चीज है? राजा कोड़ी है सर। एक मिनट, ये राजा कोड़ी है। और सर ये श्री यंत्र हो गया, ये श्री यंत्र घर में, मंदिर में, ऑफिस में रखो, इसे बहुत अच्छा वो होता है। अच्छा, ये बहुत शुभ होता है घर के फायदे के लिए, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये श्री यंत्र है, इसकी कीमत सर 120 रुपए है। देखिए, ये ना आप टीवी में भी देखते होंगे, इसी को 1000 2000 में बेचा जाता है। इसकी कीमत मात्र 120 रुपए है। और सर ये शालीग्राम है, स्पटिक का, ये स्पटिक का शालीग्राम है, ये तुलसा जी के साथ में रखते हैं। तो देखिए, ये तुलसा जी के साथ रखा जाता है, आपने देखा होगा, ये स्पटिक का शालीग्राम है। रुद्राक्ष की, ये लैब टेस्टिंग किया हुआ है सर, एक बुकिंग होता है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टिंग किया हुआ है। ये जो रुद्राक्ष होता है, ये लैब टेस्टेड भी आते हैं। ये टेस्टिंग किया हुआ है, इसकी कीमत हमारे पास आपको 1000 रुपए मिलेगी। ये कितने मुखी है? ये एक मुखी है, छोटा, ये एक मुखी लैब टेस्टेड। लैब टेस्टिंग, ये देखिए पूरी इसकी रिपोर्ट है। और ये जो रुद्राक्ष है, ये लैब टेस्टेड है, और उसका केवल कीमत 1000 रुपए है। सर एक इससे थोड़ा ये लॉटेड में दाना है, लैब टेस्टिंग किया हुआ, ये 1500 रुपए की कीमत इसकी हमारे पास में। अच्छा, इससे बड़ा दाना, ये देखिए, ये भी लैब टेस्टेड है और ये इससे बड़ा है रुद्राक्ष का दाना। और ये लॉकेट में बनाया हुआ है कि आप वो अपने गले में टांग सके बहुत ही इजीली। ये सब लैब टेस्टेड है। और ये कितने कीमत है इसकी? ये बड़ा दाने की 1500 की कीमत है, इसकी 1500 कीमत है। ये भी टेस्टेड है और बहुत मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है भैया के पास हर चीज। बाकी सर हमारे पास एक मुठी से लेकर 14 मुठी तक रुद्राक्ष हैं, लैब टेस्टिंग के हर प्रकार के दाने मिलेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स इनके पास लगभग सब लैब टेस्टेड है सामान, जो कि 100% ओरिजिनल है। ये पांच मुखी है, पांच मुखी, ये पांच मुखी है, देखो ये तीन मुखी है, ये सब जो हर हर प्रकार के हमारे पास। ये देखिए, ये भी लैब टेस्टेड है। पांच मुखी का क्या प्राइस है भैया? सर पांच मुखी प्राइस है 250 रुपए, 250 रुपए। पांच मुखी का 250 रुपए मात्र, 250 रुपए। तो देखिए, ये 250 रुपए का रुद्राक्ष पांच मुखी है, जो कि लैब टेस्टेड है। बाकी सर ये दो मुखी, तीन मुखी, ये सब 150 रुपए प्राइस है, ये भी लैब टेस्टेड। ये देखिए, ये 150-200 रुपए प्राइस है, ये सब लैब टेस्टेड है, ओरिजिनल पेड़ से तोड़ा हुआ रुद्राक्ष है। और ये सर ये रुद्राक्ष की माला है, जीरो नंबर दाने की, ये भी लैब टेस्टेड है, लैब टेस्टिंग है सर। ये देखिए, ये भी
ये जयपुर की लैब है उससे टेस्टेड है। और ये कितने की माला है? 250 रुपये से स्टार्टिंग है सर हमारे पास। तो ये 250। हाँ जी, ये देखिए 250 रुपये। तो इसकी कीमत क्या बताई भैया आपने? 250 रुपये। अच्छा, इसकी कीमत 250 रुपये। देखिए, आप बाजार में जाएंगे आपको तरह तरह की रुद्राक्ष की माला मिलेंगी, लेकिन जो लैब टेस्टेड है ओरिजिनल पीस लीजिए। थोड़ा सा महंगा जरूर मिलेगा जो कि, लेकिन ओरिजिनल मिलेगा। और भैया आपके पास क्या क्या है? बाकी सर मेरा टोटल होल सेल का ये संट और रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष के जो है वो रुद्राक्ष के दाने मिलते हैं। शंख है, रुद्राक्ष है, सब होल सेल और रिटेल का आपका काम है। और सर ये मेन है, ये गणेश संट भी मेरे पास है। देखिए ये देखिए, ये बड़ा साइज है, ये गणेश शंख है। देखिए इसमें बिल्कुल गणेश जी बने हैं। और ये छोटा साइज है, इसमें हर तरह का साइज मिलता है सर। अच्छा, देखिए ये इसकी कीमत छोटे से 60 रुपये से लेकर 350 रुपये रखता है सर। देखिए 60 रुपये से चालू है ये गणेश शंख, 350 रुपये रखता है। और ये बस्ता नहीं है ना? नहीं, बस्ता नहीं है, ये पूजा में, ये पूजा में काम आता है। आप लेके जा सकते हैं मंदिर के लिए, अपने घर के आसपास के मंदिरों के लिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है ये गणेश शंख। तो भैया ये इतना बड़ा शंख कैसे, किस काम आता है? सर ये इतना बड़ा शंख बड़े बड़े मंदिरों में रखते हैं। ये किस काम आता? जल अभिषेक करने के लिए। ये देखिए, ये जल अभिषेक करने के काम आता है। ये बहुत बड़ा शंख है और जल अभिषेक करते हैं। और इसी का ये दक्षावर्ती है, ये लक्ष्मी शंख है। अच्छा, जल अभिषेक करते हैं, ये मेन लक्ष्मी शंख है। ये लक्ष्मी शंख है, ये देखिए बस्ता नहीं है, ये केवल जल अभिषेक के काम आता है। और बहुत ही शुभ शंख है लक्ष्मी शंख। स्टार्ट। देखिए सर ये शालिग्राम जी है, ये शालिग्राम जी है, ये इसकी कीमत 60 रुपये है। अच्छा, ये देखिए शालिग्राम जी है, ये क्या क्या काम आते हैं? मतलब ये तुलसा जी के साथ में, अच्छा तुलसा जी के साथ रखे जाते हैं शालिग्राम। और ये इनकी कई तरह की वो इनकी प्रजातियाँ होती है। ये इसमें 280 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का शालिग्राम आता है। देखिए सभी आपको दिखेगा। अच्छा, ये लीजिए। और ये मैं कुछ देख रहा हूँ, इसमें आर्ट हुई हुई है, ये क्या चीज़ है? ये कौड़ी है सर। ये कौड़ी है, ये कौड़ी है, इसमें भगवान जी की मूर्तियाँ आर्ट की हुई है जो आप मंदिर में रख सकते हैं। ये मंदिर के रखने के काम आती है। अच्छा, शुभ होता है ये। अच्छा, ये बहुत शुभ माना जाता है। देखिए ये कौड़ी है, और यहाँ पे काफ़ी टाइप की कौड़ियाँ भी हैं जिसमें अलग अलग आर्ट हुई हुई है।